हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे। एक ही शेड्यूल बार बार, मतलब रोज़ सुबह उठना, खाना, कुछ थोड़ा बहुत करना, फिर सो जाना। तो रोज़ रोज़ ये देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे। आपने अगर हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको याद होगा कि मैंने और गौरव ने 7 जनवरी से 21 जनवरी तक भागलपुर बिहार से पुणे महाराष्ट्र तक का सफ़र तय किया था। एंड उसमें हम लोग के साथ बहुत कुछ हुआ था, लिटरली बहुत कुछ। तो हम लोग वीडियो में उतना ज़्यादा कुछ दिखाए नहीं थे, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, हम लोगों को आप लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, एंड दैट स्ट्रगल वॉज रियल। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट कर देना अच्छा से देखने के बाद, एंड वीडियो को शेयर करो। बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। आज हम लोग बनारस तक पहुंचेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो कहानी है 7 जनवरी का। हम लोग 5 या 6 तारीख को प्लान बनाए थे कि चलो यार, छुट्टी है ही कॉलेज में, क्यों ना कहीं से घूम फिर के आते हैं, मन भी थोड़ा बहल जाएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। उस टाइम ऐसा था कि एग्ज़ाम होने वाला था बट हुआ नहीं। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना चलो घूमते हैं। तो 7 तारीख को फाइनली हम लोग पूरा प्लान बना, हम लोग 7 बजे शाम में घर पर आए, मतलब इसी रूम में यहीं पे बैठ के हम और गौरव चावल, और उस दिन छोले बने थे याद है मुझे, तो चावल और छोले हम लोग खाए। एंड 7 बजे रात को, लिटरली 7 बजे रात को हम लोग बाईपास के लिए निकल गए थे। अब उतनी रात को गाड़ी मिलना तो असंभव ही था, बहुत कम चांस था गाड़ी मिलने का। फिर भी हम लोगों का लक कहिए या कुछ कहिए, हम लोगों को यहाँ से मुंगेर तक की एक ट्रिप मिल गई जो कि एक एम्बुलेंस थी, और वो एम्बुलेंस भागलपुर में किसी को छोड़ के वापस मुंगेर जा रहे थे। तो हम लोगों ने ऐसे हाथ दिया और वो थोड़े आगे जाकर रुक गए। तो गौरव उसके पीछे लिटरली मतलब दौड़ा था जैसे कि उसको खजाना मिल गया हो, और हम वो हमारे लिए खजाना ही था। मतलब रात को 7-8 बजे अगर आप लोगों को कोई गाड़ी मिल जा रही है जाने के लिए तो बड़ी बात है। मुंगेर के फरदा से आगे कोई एक जगह था, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं कभी बाद में बता दूंगा आप लोगों को। तो वो जगह हम लोग रुके थे, एंड वहाँ पर से हम लोग सोचे थे कि अब आगे का अगर लिफ्ट मिल जाता है तो रात तक हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। तो ट्रक वगैरह चल रही थी बट उतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो हम लोग बहुत ही लाचार, बहुत ही बुरा फील कर रहे थे। फिर भी हिम्मत बनाए रखे, रात को 1:30-2 बजे तक हम लोग इंतज़ार किए थे। एंड वहाँ पर जो आसपास के लोग थे वो लोग भी हमारा बहुत साथ दिए थे, कॉपरेट किए थे। एंड उन्हीं में से एक दो भाई थे जो कि हम लोगों को अपने घर में, उनका मतलब घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था और एक घर, तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे आप लोग रह सकते हो रात को, तो हम लोग वहीं पे टेंट लगा के सो गए थे। ये पार्ट आपने वीडियो में भी देखा होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो। सुबह सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग सोचे थे कि उन भाइयों के पास जाएँ एंड उन लोगों का शुक्रिया अदा करें, बट फिर सोचे कि ऐसे ही हम लोग रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए उनको, अभी परेशान करना सही नहीं होगा। तो हम लोग सुबह सुबह 5 बजे लिफ्ट के लिए निकल गए। एंड लकीली थोड़ी ही देर में हम लोगों को एक ट्रक मिल गई थी जो कि कुछ दूर गई, एंड अप्रॉक्स लकीसराय वाला जो बाईपास रोड है वहाँ तक गए, एंड वहाँ पर से वापस हम लोग उतर गए। ट्रक, ऑटो, पिकअप, वैन, किसी भी तरह करके हम लोग एटलीस्ट पटना पहुँचे। पटना भी नहीं, पटना से 50 किलोमीटर पीछे बख्तियारपुर, बख्तियारपुर के 0 माइल पे। अब वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि यार कोई तो गाड़ी मिल जाए, कोई तो गाड़ी मिल जाए, बट हमें कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। क्या बात है, क्या किस्मत है हमारी यार। फिर उसके बाद हम लोगों को एक वो फटफटिया मिला, और चलाने वाले का नाम था कृष्णा। तो वो बहुत मज़ेदार था। एंड उसी टाइम क्या हुआ था कि हम लोग एक ट्रक देखे थे जिसपे महाराष्ट्र का नंबर था, हम लोग भी उधर ही जा रहे थे, तो हम लोग सोचे कि ये अगर उधर जा रहा है तो बढ़िया होगा। तो हम लोग उसको रोके भी, पूछे भी, बट वो बोला कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। हम लोगों के सारे मंसूबे, सारे इरादे पर पानी फिर गया भाई। यहाँ पर ऐसा है कि बुलेरो वगैरह जो होता है, स्कॉर्पियो वगैरह होता है, उन लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तरह यूज करते हैं, मतलब सवारी बैठा लेते हैं एंड पर बंदा 100 रुपये, 50 रुपये इस तरह लेते हैं। तो हम लोग भी हाथ दिए, रुक गया। हम लोगों को लगा कि वो लोग फैमिली लोग जा रहे हैं, तो हम लोग पूरा बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। फिर पहले हम लोग ट्रक जो ड्राइवर था उनको बता दिए थे, उनको बता दिए थे कि हम लोग के पास पैसे वैसे हैं नहीं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं। बट लास्टली क्या हुआ कि वो हम लोग को बोले कि अरे पैसे दो, तो हम लोग बोले कि हम लोग आपको बताए दें। बट हम लोग का लक बढ़िया था कि जो मैडम और सर लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो लोग बोले कि नहीं, ये लोग आपको, ये पहले आपको बोला कि इनके पास पैसे नहीं है, तब पर भी आप लोग इसको बैठाए, अब पैसे मांग रहे हैं तो अच्छी बात तो नहीं है ना। इस तरह हम लोग को वहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला, एंड हम लोग पटना पहुँच गए फाइनली।
अब उसी गाड़ी में एक अंकल थे जिन्होंने हम लोगों को 200 रुपये दिए थे कि जाओ तुम लोग इससे कुछ खाना खा लेना एंड उसके बाद आगे के लिए निकल जाना। तो वो ये चीज़ से बहुत प्रभावित हुए थे कि दो बंदा अपना कंफर्ट जोन छोड़ के ट्रैवलिंग करने निकला है, तो इन लोगों को मदद करना चाहिए। तो वो लोग मेरा हेल्प किए थे, काफ़ी सही लगा था। एंड उसके बाद हम लोग जाके नाश्ता किए थे, नाश्ता नहीं कह सकते, खाना ही किए, खाना ही खाए थे। पहले हम सोचे थे कि लिट्टी और छोला खा लेंगे जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, बट हमारे गौरव गौरव भाई को तो चावल खाना था, तो हम लोग चावल खोजे एंड देन जाके चावल खाए। फिर उसके बाद हम लोग एक ट्रक पकड़े जो कि ट्रक अच्छी खासी दूर तक गई थी एंड वहीं पर से एक अवरल मोड़ करके एक जगह है, वहाँ पे हम लोग को वो ट्रक वाले उतार दिए एंड वहाँ पर से फिर से हम लोग बे वाइकल हो गए, बे वाहन हो गए हम लोग। फिर वहाँ पर से हमें एक ट्रक मिला जो कि हमें चंदौली, चंदौली करके एक जगह है जो कि आपका ससाराम से थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ तक हम लोगों को ले गया। एंड काफ़ी रात हो गया था इसलिए वो वहाँ पे सो गए, हम लोग भी वहाँ पे खाना खाए। एंड उन्हीं के ट्रक के जो पीछे कंटेनर था उसमें हम लोग, उनका उस टाइम कंटेनर खाली था तो उसमें हम लोग अपने कैंप लगा लिए एंड वहीं पे आराम से हम लोग सो गए थे। कैंप तो नहीं लगाए क्योंकि ऊपर छत था तो ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लोग अपना कम्बल वगैरह बिछा के सो गए थे। मतलब ट्रक में सोना, बाहर इतना सन 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 आवाज़ चल रहा था, ट्रक चल रहा था, पों 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 हो रहा था। ओ माय गॉड, लिटरली वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग लेवल का था, बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। सुबह हुई, उनका साथ फिर से छूट गया एंड हम लोग फिर से बेवाहन हो गए, मतलब वाहन व्हीकल, व्हीकल्स नहीं था हमारे पास जाने के लिए, तो हम लोग फिर से वेट करने लगे, भैया 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 करने लगे, लिफ्ट के लिए करने लगे, बट हम लोगों को कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा था, आई डोंट नो। बट हम लोग का लक बढ़िया था जो कि एक गाज़ियाबाद जाने वाले भैया हम लोग को मिल गए एंड वो हम लोगों को बनारस तक छोड़ दिए एंड फाइनली हम लोग बनारस पहुंच गए। आप यकीन मानिए मेरा, यहाँ से जो कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोगों ने लाइफ को एक अलग ही नज़रिए से देखा, मतलब कैसे हम लोग स्टेशन पर सोए थे, कैसे हम लोग क्राउड फंडिंग किए थे एंड वहां पर इवन हम लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं था तब पर भी हम लोग ट्रेन में तत्काल टिकट कटवा के अहमदाबाद तक पहुंचे थे। मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था ट्रेन लेने का, बट गौरव कैसे प्लान बनाया और कैसे उसको एग्जीक्यूट किए वो अगले व्लॉग में आप लोगों को सुनाएंगे। तब तक अगले व्लॉग का आप लोग इंतजार कीजिए एंड कॉमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये व्लॉग, ये स्टोरी कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी भी थोड़ी फैमिली बढ़ेगी, मजा आएगा एंड बाय बाय। नाकाम भाई साहब, वो वाले स्कैम से तो सावधान ही रहना, मतलब आइए आइए कुछ नहीं लगेगा, आराम से रख सकते हैं सारा सामान, बट उधर जाके फिर बोलेगा कि कुछ आपको लेना पड़ेगा। तो ये है बनारस की गली और आगे है घाट, देखो कितना संकरा संकरा गली है, पतला पतला गली है।